भारत लगातार अपनी सैन्य क्षमता को आधुनिक और ताकतवर बनाने के प्रयासों में जुटा हुआ है। इसके लिए उसने कई देशों के साथ सैन्य उपकरणों की डील भी की है। भारत अपनी सैन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए दूसरे देशों से सैन्य उपकरणों की खरीद करता आ रहा है, जिसके चलते भारत हथियार आयात करने के मामले में दूसरे नंबर पर है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब भारत में बने हथियार दुनिया खरीदेगी। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। मेक इन इंडिया के तहत भारत को रक्षा क्षेत्र में फ्रांस से बड़ा ऑफर मिला है। फ्रांस ने भारत में पैंथर हेलीकॉप्टर और राफेल फाइटर जेट्स की मैन्युफैक्चरिंग की पेशकश की है। फ्रांस भारत में पैंथर हेलीकॉप्टर की 100% और राफेल जेट्स की 70% असेंबलिंग करना चाहता है। फ्रांस ने भारत को असेंबली लाइन के अलावा तकनीक देने की भी पेशकश की है। अगर ऐसा हुआ तो ये भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। वैसे भी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पर मोदी सरकार का खास फोकस है। हाल ही में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने इस सेक्टर में FDI यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की लिमिट को 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया था। इसका मतलब यह हुआ कि विदेशी हथियार कंपनियां भारत में पहले से ज्यादा निवेश कर पाएंगी। वैसे भी देखा गया है कि दुनिया के बड़े विकसित देश हथियार बेचकर ही अरबों रुपए की कमाई करते हैं। अब भारत भी इस श्रेणी में आना चाहता है। फ्रांस सरकार के साथ अगर भारत का पैंथर हेलीकॉप्टर और राफेल की मैन्युफैक्चरिंग का करार हो जाता है तो ये भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। इससे भारत के लिए राफेल खरीद की लागत काफी कम हो जाएगी। साथ ही साथ भारत सस्ते में फ्रांस से पैंथर हेलीकॉप्टर खरीद पाएगा। भारत सरकार इस वक्त नौसेना के लिए अच्छे हेलीकॉप्टर्स खरीदने की भी तैयारी कर रही है। पैंथर हेलीकॉप्टर्स भारतीय नौसेना की ताकत कई गुना तक बढ़ा सकते हैं। पैंथर हेलीकॉप्टर किसी भी मौसम में उड़ान भर सकते हैं। यह हेलीकॉप्टर शिप टेक, ऑफशोर लोकेशन और लैंड बेस्ड साइट से भी ऑपरेशन कर सकता है। पैंथर हेलीकॉप्टर और राफेल की मैन्युफैक्चरिंग के अलावा फ्रांस के साथ 9900 मेगावाट के जैतापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र को भी आगे बढ़ाने पर बातचीत हुई है। साथ ही साथ भारत ने पट्टे पर 6 एयरबेस 330 मल्टी रोल ट्रांसपोर्ट टैंकरों के फ्रांसीसी प्रस्ताव पर विचार करने का फैसला लिया है। इसके पीछे फ्रांस का मकसद भारत के साथ कारोबारी रिश्ते बढ़ाना है। इससे फ्रांस का तो फायदा होगा ही, साथ ही साथ भारत की सैन्य ताकत भी बढ़ जाएगी।